नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अवसाद के बारे में बताऊंगा। अवसाद यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्या है, यानी अवसाद क्या होता है? अवसाद यानी ये आयुर्वेदिक भाषा है, और अगर हम इसको एलोपैथ चिकित्सा के अनुसार देखेंगे तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। तो आजकल की भरी लाइफ में, दौड़ा भागा में देखते हैं, सब लोग डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, और बहुत से ऐसे मरीज हैं जो हमेशा डिप्रेस रहते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे क्या है, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें मैं आप लोगों को औषधि, क्योंकि एलोपैथ में आप लोग जाएंगे तो एलोपैथ में आपको क्या दवाएं मिलेंगी, माइंड को रिलैक्स करने के लिए अल्प्राजुलाम दे देंगे, डाइजीपाम दे देंगे, जो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। तो आपको अवसाद की यानी डिप्रेशन की एक बहुत ही अनुभूत योग बताने जा रहा हूँ, जो मेरे गुरु जी का है। गुरु जी ने इसको बताया हम लोगों को, क्योंकि आयुर्वेद गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु से ही शिष्य को मिलती है, और मेरे पास जो ज्ञान है वो आप लोगों को दे रहा हूँ, और आप लोग इसका उपयोग करिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी लोग आजमाए हुए हैं और उनको काफ़ी फायदा मिलता है। तो आप लोगों को मैं योग बताता हूँ, और ये योग जो है परीक्षित हैं और पूर्ण सुरक्षित हैं और यूज किए हुए। इसमें आप सरपुंखा लीजिए, सबसे पहले क्या लीजिए, सरपुंखा, ब्राह्मी लीजिए, बचा लीजिए, केवाँच का बीज लीजिए और अब्रक भस्म लीजिए, ठीक ना। इतनी चीज़ें लेना, क्या क्या लेना, सरपुंखा, ब्राह्मी, बचा, केवाँच का बीज जिसे कौच पाक कहते हैं, और अब्रक भस्म, ठीक ना। अब्रक भस्म जो होती है वो 125 से 250 mg तक ले सकते हैं एक डोज में। और अब्रक भस्म देखिए कई प्रकार की होती है, आप लोग मार्केट में देख लीजिएगा। उसमें जो होती है सत गज पुटी होती है, सहस्त्र गज पुटी होती है, सबसे अच्छी जो होती है वो सहस्त्र गज पुटी होती है, ठीक ना। तो आप लोगों का जो उचित लगे जैसा उपयोग करना हो वैसा लेके, फिर इन सबको आपस में मिलाकर सरपुंखा, ब्राह्मी, बचा और केवाँच के बीज, इन सबको आपस में एक बराबर मात्रा में मिलाकर साथ में उसमें 125 से 250 mg तक क्या मिला लें, अब्रक भस्म में एक डोज के अनुसार, जितना आपको बनाना हो जितने दिन का बना के सुबह और शाम आप इसको शहद के साथ लीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में जो आपका अवसाद है, यानी आपका जो क्या कहते हैं डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे ब्राह्मी इसमें मिले होने के कारण और केवाँच मिले होने के कारण, ब्राह्मी कारण हमारे दिमाग को क्या मिलता है, बल मिलता है, यानी उसको टॉनिक मिलता है, और केवाँच के बीज के कारण हमारे सप्त धातुएं पोषित होती हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, हष्ट और पुष्ट हो जाता है। दिमाग की नसें जो होती हैं उनको पूर्ण जो आहार मिल जाता है, बल मिल जाता है, और पेशेंट जो है वो अवसाद ग्रसित से ठीक हो जाता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।